यस बच्चों, पिछली बार पिछले बिहार में हम आपको बताए थे कि क्या आपकी जो दूरी जो है, अवस्था जो है आपकी, वो पॉजिटिव में क्या है और आपकी कंपरेटिव में क्या है और आपकी क्वालिटिव में क्या है। परंतु अब यह है आपका प्रश्न है, दैट द क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट वी कैन मेक योर डिग्री, कि हम इस डिग्री को पॉजिटिव में कैसे बनाएं, कंपैरेटिव में कैसे बनाएं और सुपरलेटिव में कैसे बनाएं। तो दैट्स वी गिव यू द पॉइंट्स आउट ऑफ द मेकिंग फॉर द डिग्री, कि हम आपको वो आपको नियम आपको पॉइंट में आपको बताता हूं जिनकी सहायता से हम पॉजिटिव कंपैरेटिव और आपकी सुपरलेटिव जो है इन तीनों को बना सकते हैं। तो हमारा जो पहला जो आपका नियम है, फर्स्ट जो आपका जो नियम है, फर्स्ट नियम आपका कहता है द पॉइंट इज दैट फर्स्ट कहता है द पॉइंट इज फर्स्ट ई आर या ई एस टी जोड़कर, द फर्स्ट आपका रूल्स में क्या है ई आर या ई एस टी जोड़कर। अब लिखिए फर्स्ट आपकी जो डिग्री है वो क्या है एस एम ए डबल एन स्मॉल, स्मॉल आपका होता है छोटा, है ना। कैसे बनाएंगे, फर्स्ट आपकी होगी एस एम ए डबल एन स्मॉल, कंपैरेटिव में हम इसे बनाएंगे स्मॉलर एस एम ए डबल एन ई आर, है ना। स्मॉलर मतलब सबसे छोटा, है ना। और बिल्कुल सेम प्रकार से हो जाएगा जब हम इसमें आपकी क्या जोड़ देंगे ई एस टी स्मॉल एस, एस एम ए डबल एल ई एस टी, यानी कि स्मॉल स्मॉलर और स्मॉल एस, ये आपकी हो गई पॉजिटिव डिग्री, ये आपकी हो गई कंपैरेटिव डिग्री और ये आपकी हो गई सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि सबसे छोटा। बिल्कुल यही प्रकार से आपका बनेगा डी, डी आपका होता है ग्यारह, यह क्या कर दिया ना डीपर और डीपेस्ट, डी बड़ी किया डी बड़ी पी एस टी डीपेस्ट। दूसरा वो ग्रेड जी आर ई ए टी एल ई आर ग्रेटर, और ये हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट, है ना। मतलब महान, उससे महान और सबसे महान, गहरा और गहरा और सबसे ज्यादा गहरा, है ना। चीप 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 माना होता है आपका बेग कार के बाद आपका आएगा चीपर, और ये है चीपेस,
और CSEAPEST पेस्ट। तो ये हमारा कारण ये कुछ आपकी थी डिग्रियाँ थी बिल्कुल सेम यही प्रकार से आपकी गोल्ड COLD गोल्ड गोल्ड के बाद आपकी आपकी टॉप और फिर आपकी गोल्ड 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 के बाद जिसमें जुड़ा तो ये हो जाएगा गोल्डर और फिर गोल्ड से गोल्डेस्ट टॉल टॉलर टॉलेस्ट गोल्ड गोल्डर गोल्डेस्ट। ये आपका था पॉजिटिव टू सुपर कंपेरेटिव टू सुपर लेटिव डिग्री बनाने का फर्स्ट आपका नियम। दूसरे की अब हम आपकी बात करें सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट आपका कहता है कि यदि पॉजिटिव डिग्री आपके लास्ट में यदि पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में आया हो कि ई आया हो तो इंपरेटिव में इंपरेटिव में हम क्या कंपरेटिव जब हम पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में वर्ड आया हो ई तो क्या करेंगे जब हम इंपरेटिव में उसको बनाएंगे तो हम उसमें जोड़ेंगे पर आर के बाद और जब हम उसको ऊपर नेटिव में बनाएंगे तब तो हम केवल जोड़ देंगे एस टी। यह आपका है सेकंड आपका है नियम। ये कहता है कि यदि पॉजिटिव ग्रीन के लास्ट में आया हो ई शब्द आया हो तो हम क्या करेंगे जब हम कंपरेटिव में उसको बनाएंगे तो हम उसके लास्ट में जोड़ देंगे आर और जब हम उसको ऊपर नेगेटिव में बनाएंगे तब उसको जोड़ देंगे एस टी। जैसे आपका है एन ओ बी एल ई आपका नोबल है ना तो नोबल का कंपरेटिव में हो जाएगा NOBLER नोबल और ये हो जाएगा NOBLE NOBLEST है ना। वैसे आपका फाइन FINER फाइनर और ये हो जाएगा फाइनेंस FINESTबिल्कुल यही प्रकार से आपका वाइस का WISE वाइस और वाइस के साथ ही आपका दूसरा एविल के भी यही प्रकार से पॉजिटिव कंपरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बनाए जाएंगे है ना। तीसरा आपका जो है नियम वह यह कहता है कि यदि पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में यदि पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में कॉन्सोनेंट आप जानते क्या होता है कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन होगा जो है SONANT व्यंजन हो और वो कॉन्सोनेंट से
उससे पहले बॉय विल आए यदि हम उसको पॉजिटिव डिग्री का जो लास्ट है लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट हो और वो कॉन्सोनेंट से पहले एक वोवेल हो है ना तो क्या करते हैं कि हम तो हम कॉन्सोनेंट को कंप्रेस में तो हम कॉन्सोनेंट को कंप्रेस में क्या करते हैं क्या करते हैं तो हम उस कॉन्सोनेंट को D-O-U-B-L-E डबल कर देते हैं इसमें जब हम उसकी पॉजिटिव से इंपरेटिव बना रहे हैं तो वही कॉन्सोनेंट व्यंजन को हम दो बार बोलेंगे या उसको दो बार लिखेंगे और तो अंतिम कॉन्सोनेंट को हम क्या करते हैं डबल कर देते हैं और इंपरेटिव बनाने के लिए इंपरेटिव के लिए हम आर और सुपर नेटिव के लिए ई एस टी जोड़ते हैं ये आपका बता रहा है कि अगर पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट से पहले आपका वॉयल हो तो क्या करेंगे हम कि कॉन्सोनेंट को दो बार में लिख करके देंगे और अम्बरेटिव बनाने के लिए हम उसमें ई आर और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम उसमें ई एस टी जोड़ देंगे अब जैसे हम आपकी बात कर रहे हैं जैसे आपका शब्द है हॉट हॉट माने होता है क्या गरम अब क्या करेंगे एच ओ डबल टी आर हॉटर माने उससे ज्यादा जब हम कमरेट में बनाए एच ओ डबल टी आर कर दिया हमने और जब हम उसको सुपर मीडियम बनाइए एस ओ डबल टी एस टी हॉटेस्ट है ना बिल्कुल यही प्रकार का पब्लिक है बी आई डबल जी ई आर और बी आई डबल जी ई एस टी बिग बिगर और बिगेस्ट आपका है ना और बिल्कुल यही प्रकार से आपका फैट का भी बनाया जाएगा फैट फैटर और फिटेस्ट है ना तो क्या किया एच ओ टी सबसे लास्ट में आपका व्यंजन है और व्यंजन से पहले आपका गोयल है वो कौन कौन से होते हैं आपके ए ई आई ओ यू ये पांच में से कोई भी है तो क्या करेंगे हम लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को दो बार में उसको लिख करके कहेंगे यानी कि हॉट हॉटर हॉटेस्ट बिग बिगर बिगेस्ट और फैट फैटर फिटेस्ट अगला है आपका अगला है आपका नहीं फोर्थ आपका नियम कहता है कि यदि पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में आपका शब्द आए बाई बाई आपका है ना और वो बाई से पहले बाई आए और बाई से पहले
पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में यदि आपका आए वाई और वो वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो क्या करते हैं, तो हम जो आई को आई में बदल देते हैं। तो हम वाई को आई में बदल देते हैं और वाई को आई में बदल देते हैं और फिर कंपैरेटिव के लिए बनाने
से ज्यादा लेवल वाले एडजेक्टिव का कंपैरेटिव बनाने के लिए हम एडजेक्टिव से पहले एम ओ आर ई मोर कोई भी विशेषण है तो कंपैरेटिव बनाने के लिए हम उसमें पहले लगा देंगे आपका मोर और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम उसमें लगा देंगे आपका मोस्ट। अब जैसे आपका शब्द है DIFFICULT, अब हम सब कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या लगा देंगे और जब हम इसका सुपर लेटिव बनाएंगे तो हम इसमें लगा देंगे मोस्ट डिफिकल्ट। और बिल्कुल यही प्रकार से आपका शब्द से चलेगा ड्यूटी आपस ब्यूटीफुल से भी पहले बना देंगे मोर ब्यूटीफुल या मोस्ट ब्यूटीफुल। ओल्ड टेंट आप लोग जानते ही हैं, यहां भी अगर ज्यादा महत्वपूर्ण है तो मोर इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम उसमें लगा करके अपना शब्द बना लेंगे या आपकी डिग्री बना देंगे। अच्छा और बिल्कुल एक और आपका शब्द है यूजफुल USEFUL। तो यहां भी क्या करेंगे हम मोर यूजफुल और मोस्ट आपका यूजफुल को बदल करके हम मैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को बना देंगे। ठीक है आपका, अब आता है अंतिम, आपका आता है नंबर 6। पॉइंट आउट नंबर आपका 6, पॉइंट नंबर 6 कह रहा है कि कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जिनके कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री भिन्न रूप में होते हैं। कुछ विशेषण के कंपैरेटिव भिन्न रूप में होते हैं। जैसे आपका है, मैंने सबसे फर्स्ट टाइम आपको यही बताया था गुड,
क्या क्या होता है, बेटर और बेस्ट। आपका ये क्या होता है, एम वाली मोर मोस्ट। ग्रेड आपका ये ग्रेड बेड और वर्स डब्ल्यू ओ आर एस की, और आपका होगा डब्ल्यू ओ आर एस की। बिल्कुल सेम आपका होगा मैनी, मैनी का भी यही रहेगा, मैनी का मतलब मोर और मोस्ट। तो ये थे आपके पांच, आपके पांच के बाद आपके रहते आपके नियम, जो कि पॉजिटिव टू कंपरेटिव और कंपरेटिव टू आपको सुपरलेटिव। मैं हम कैसे इनको बनाते हैं ये हमने आज आपको बता दिए है ना। और दूसरी वीडियो जब मैं आपकी बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि करेक्ट यूज ऑफ सम, कुछ विशेष अणों का सही प्रयोग कैसे किया जाता है, है ना। तो ये वाली हम आपको बताएंगे। तो काम आज आपका, काम आपका ये है कि आज आप केवल पॉजिटिव कंपरेटिव और सुपरलेटिव आपकी जो चीज़ बनाई जा रही है, ये आप अपना जो फॉर्म है वहाँ से ये आप देखें, और अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत अगर आपको हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर प्रशांत, आप सभी बच्चों को थैंक्स बोलता हूँ। आप मेहनत अपनी करें और जहाँ भी हैं वहाँ पर आप सेफ। बहुत बहुत धन्यवाद।